Hi guys, this is Faraz Kashmiri and you're watching Mobile Wallet Tech News. डालते हैं नजर गुज़श्ता हफ्ते की टेक्नोलॉजी की दुनिया की चंद अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है Infinix launches affordable Hot 12i। जी तो नाज़रीन, 12 अप्रैल को Infinix ने अपनी सीरीज़ के अंदर सबसे पहला मोबाइल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है Hot 12i। कहा यह जा रहा है कि तीन फ़ोन आएंगे सीरीज़ के अंदर और ये सबसे सस्ता होने वाला है उन तीनों के अंदर, जिस तरह कि आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा। चिपसेट के हवाले से कुछ बताता चलूँ कि इसके अंदर जो चिपसेट है वो A22 की चिपसेट लगी होगी Hot 12i के अंदर, और इसके साथ साथ अगर रैम की बात की जाए तो 4GB, बट कंपनी ऑल्सो ऑफर 2GB एंड 3GB ऑप्शन एज वेल। और इसके साथ साथ हमारे स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो 64GB हमें इसके अंदर स्टोरेज मिलने वाली है, microSD की भी स्लॉट हमें मिलने वाली है। सो द ब्रांड डिड नॉट रिवील मच अबाउट कैमरास, व्हाट वी डू नो इज के मेन शूटर जो कैमरा है इनका वो 13 MP का होने वाला है, कुछ 2 MP का पोर्ट्रेट और मैक्रो शॉट्स होने वाले हैं, और सेल्फी कैमरा इसका 8 MP का होने वाला है। बात करें उनके ऊपर तो 720p की हमें रेजोल्यूशन मिलने वाली है और LCD का जो साइज है 6.82 मिलने वाला है। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ आपको, ये नाइजीरिया के अंदर अभी लॉन्च हुआ है Hot 12i, और बाकी जो दो इसके मॉडल सीरीज़ के हैं उनका नाम अभी तक हमें नहीं पता लगा। और ये कलर्स के बारे में बताता चलूँ तो कलर्स के हमें मिलने वाले हैं ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड एंड ब्लू, और प्राइस इसकी होने वाली है $150 के अराउंड। ये थी हमारे पास जो नया मॉडल आने वाला है Infinix का, उसके हवाले से खबर। तो इसके साथ साथ दोस्तों हमारे पास अगली खबर आती है सोशल मीडिया के हवाले से, इंस्टाग्राम के हवाले से खबर हमें भी आती है जी। क्रिएटर्स से इंस्टाग्राम इज कटिंग रील्स पे आउट। जी तो नाज़रीन, इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि मेटा जो कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम को ओन करती है, उन्होंने लास्ट जुलाई में प्रोग्राम बोनस का इंट्रोडक्शन दिया था कि जो लोग रील्स बनाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर टिकटॉक स्टाइल में शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर रील्स बनाएंगे उनको पे किया जाएगा कुछ व्यूज़। एक टारगेट उन्होंने सेट किया था, उस टारगेट को अगर अचीव करेंगे तो कुछ उनको पे किया जाएगा, लाइक $600 से लेकर $35,000 तक उन्होंने ये बताया था। लेकिन अब क्या आ रहा है जी, क्रिएटर कंफ्यूज हो रहे हैं और वो बात ये कर रहे हैं कि पेमेंट्स नहीं कर रहा, इवन के जो पेमेंट्स है वो 70% तक डाउन हो गई हैं। और अगर व्यूज़ की यहाँ पे मैं बात करता चलूँ तो $35,000 जो उन्होंने प्राइस रखी थी उसके जो व्यूज़ थे पहले हमारे पास से 58 मिलियन व्यूज़ के ऊपर, उन्होंने कहा था $35,000 आपको मिलेंगे, लेकिन अब उन्होंने वो व्यूज़ बढ़ा कर दी हैं 359 मिलियन व्यूज़, और पेमेंट्स भी कट डाउन कर दी हैं, पेमेंट्स भी सही तरीके से वो नहीं दे रहे। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन यहाँ पे, इंस्टाग्राम क्या स्ट्रेटजी कर रहा है, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था जुलाई के अंदर कि वो $1 बिलियन तक भी पे करेंगे कुछ क्रिएटर्स को जो उनके टारगेट्स को अचीव करेंगे, लेकिन अब उन्होंने एकदम से टारगेट्स को बहुत हाई कर दिया है और व्यूज़ को भी बहुत ऊपर ले गए हैं। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन और कैसे इसको डील करेगी मेटा। जी तो दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है जी, Realme 9 Pro Free Fire Edition थाईलैंड में लॉन्च कर दिया। जी तो दोस्तों, जिस तरह के आपको पता है Realme 9 Pro के काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हमारे पास आ रहे थे और लीक्स आ रहे थे, लेकिन 12 अप्रैल के दिन उन्होंने लॉन्च कर दिया ऑफिशियली 9 Pro Free Fire Edition। तो सारे र्यूमर जो हैं वो अब गलत साबित हो गए हैं, अब एक्चुअली में कंपनी ने लॉन्च कर दिया मॉडल थाईलैंड के अंदर। और यहाँ पे जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि फ़ोन जो है वो यूनिक गेमिंग सेंट्रिक डिज़ाइन के साथ आ रहा है और स्पेशल फ्री फायर थीम्ड के साथ आ रहा है, जो कि स्पेशली गेमिंग के साथ पैकेजिंग जो है वो उसकी बनाई गई है। कुछ स्पेसिफिकेशन के लिहाज से मैं बात करता चलूँ तो उसकी 6.4 इंच जो है वो हमें स्क्रीन मिलने वाली है, और साथ रेजोल्यूशन जो है वो हमें मिलेगी 1080x2400 की हमें रेजोल्यूशन मिलने वाली है, और 90Hz AMOLED स्क्रीन मिलेगी, और डायमेंसिटी 920 की जो है वो चिपसेट हमें मिलने वाली है इसके अंदर। तो इसकी प्राइस के वाले से मैं थोड़ा बहुत बताता चलूँ आपको, हमें प्राइस इसकी मिलने वाली है $357, और जो उसका वेरिएंट होगा 8GB और 128GB स्टोरी के साथ। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, इट्स अनक्लियर इफ दिस स्पेशल एडिशन लिमिटेड Realme 9 Pro Free Fire Edition विल एवर मेक इट टू अदर मार्केट्स। अगर कोई इस बारे में खबर आती है तो हम आपको फौरन से पहले बताएंगे। जी तो दोस्तों, हमारे पास अगले इसके साथ खबर आती है YouTube के वाले से, YouTube आर सिक ऑफ कमेंट स्पैम, सो YouTube इज टेस्टिंग स्ट्रिक्टर मॉडरेशन सिस्टम।
जी तो दोस्तों YouTube के हवाले से बहुत ज़्यादा हमें खबरें मिल रही हैं सुनने को कि बहुत ज़्यादा स्पैम कमेंट्स हो रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिएटर्स हैं, कुछ बहुत फेमस क्रिएटर्स हैं, जिस तरह से मार्कस ब्राउनी हो गया, उन्होंने भी एक वीडियो स्पेशल बनाई YouTube के लिए कि काइंडली इसके ऊपर कुछ करें हल। बहुत ज़्यादा स्पैम कमेंट्स आ रहे हैं और भी बहुत ज़्यादा लोग जिस तरह से फेमस हैं उनको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मैं कुछ नाम भी यहाँ पर बताता चलता हूँ, जैसे कि लिनस टेक टिप्स हो गए, मार्कस ब्राउनी को ऑलरेडी मैं नाम बता चुका हूँ। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को स्पैम कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा था और YouTube ने इसको काफ़ी सीरियस लिया क्योंकि उन्होंने काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई हैं। तो YouTube इज़ टेस्टिंग स्ट्रिक्टर मॉडरेशन सिस्टम। यहाँ पे क्रिएटर के अंदर एक ऑप्शन होगी, जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, ऑप्शन होगी, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और मैं ऑप्शन के आपको डिफरेंट ऑप्शन बताता हूँ। अलाउ ऑल कमेंट्स, अगर वो ऑल कमेंट्स अलाउ करना चाह रहे हैं। और इसके साथ जो ये टेस्ट सिस्टम है, यहाँ पे सबसे जो अच्छा एक फीचर उन्होंने ऐड किया वो है होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट फॉर रिव्यू, यानी कि कोई ऐसा कमेंट जो इनअप्रोप्रिएट लगेगा वो थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाएगा, पेज पे शो नहीं होगा वहाँ पे, और इसको रिव्यू करके क्रिएटर चाहे तो इसको वहाँ पे पेज पे शो कर सकता है और नहीं भी चाहे तो नहीं कर सकता। सो यहाँ पे YouTube ने बहुत सीरियसली इस मसले को लिया और ये टेस्ट कर रहे हैं इस चीज को। Twitter just bought a company to fix non-relevant notifications. नाज़रीन, जैसा कि हमें पता है पुश नोटिफिकेशंस एंड नोटिफिकेशंस इन जनरल आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर एप्स, लेकिन अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर हमें नॉन रेलिवेंट नोटिफिकेशंस भी भेज देता था। अगर किसी ने भी ट्वीट किया तो उसका बिला वजह हमें नोटिफिकेशंस आ जाते थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को मसले आ रहे थे, लेकिन ट्विटर ने भी इस चीज़ को सीरियस लिया जैसे यूट्यूब ने सीरियस लिया। उन्होंने अलहदा एक कंपनी बाय किया ओपन बैक के नाम से। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ इनके जो पुश नोटिफिकेशंस हैं, जो नॉन रेलिवेंट नोटिफिकेशंस हैं, इन पर काम करेगी और वो अंदर कोई सिस्टम सेट करेंगे जिसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किस तरह के नोटिफिकेशन चाहिए और किस तरह के नहीं चाहिए। Samsung Galaxy Watch 5 Pro rumored to come with a huge battery. जी तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी की वॉचेस बहुत ही अमेजिंग रही हैं, जिस तरह की वॉच 4 फैमिली आई है, लेकिन एक ही उनका ह्यूज डाउनसाइड था, वो था बैटरी लाइफ के लिहाज से। सो द कोरियन कंपनी सीम्स क्वाइट अवेयर ऑफ दिस। जैसा कि हम ऑलरेडी र्यूमर सुन चुके हैं वॉच 5 के लिहाज से कि इसकी बैटरी काफ़ी ह्यूज आने वाली है, और बताया जा रहा है कि वॉच 5 जो है वो 572 mAh की बैटरी के साथ आएगी, जो कि 60% बिगर है वॉच 4 से, क्योंकि वॉच 4 की थी 61 mAh बैटरी, जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने लिया अपनी वॉच के लिहाज से, क्योंकि डाउनसाइड की तरफ जा रही थी। और कहा यह जा रहा है कि अगर आप नॉर्मल रेगुलर यूज़र हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स सारे फीचर्स ऑन नहीं करते वॉच के, तो आपकी जो है वॉच 48 आवर्स तक ये बैटरी लॉन्ग लास्ट करेगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, जैसे ही वॉच 5 आती है इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में हम एक और वीडियो आपके लिए लाजमी बनाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक और खबर आई थी, ओप्पो रीनो 8 के फीचर्स लीक हो गए। जी तो दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी हम ओप्पो के रीनो 7 मॉडल के काफी ज्यादा रेंडर्स लीक देख चुके हैं और कैमरा के हवाले से जैसा कि हम देख रहे थे कैमरा बम्प की शक्ल में होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑफिशियली जो लीकस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने रिफाइंड जो रेंडर्स हमारे सामने पेश किए हैं, रिफाइंड जो इमेजेस हमारे सामने आते हैं, इसमें हमें पता लगता है कि स्क्रीन उसकी फ्लैट होने वाली है और उसकी जो लुक है 1+10 Pro की तरह की हमें जो है वो मिलने वाली है। और लीकस्टर्स ने हमें और भी स्पेसिफिकेशन कुछ इसकी बताई हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारे पास रीनो 6 प्रो से। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, इसकी जो डिस्प्ले है 6.55 जो इंच का होने वाला है और सबसे बड़ा OLED डिस्प्ले होने वाला है और इसकी रेजोल्यूशन है 1080x2400 की रेजोल्यूशन हमें मिलने वाली है। और जो सबसे बड़ा इसके अंदर हमें नजर आता है वो 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो हमें, जो कि 90 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के दरमियान में मिलने वाला है। तो 3-4 जो लीक्स बहुत इंपॉर्टेंट हमें पता लगे, पहला कि 1+10 Pro की तरह होने वाला है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशन रेट होने वाला है। अब देखते हैं कब ये मार्केट में आता है और जैसे आएगा हम इसके बारे में स्पेशल वीडियो भी बना के आपके सामने लेकर आएंगे। और आने वाली ऐसे ही लेटेस्ट टेक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, क्योंकि ऐसी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, लेटेस्ट न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे टेक की, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी उसको दबाना। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।